हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी। मैसेज जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइटर एक्टर। दोस्तों, आज मैं जिन शख्सियत से आपको मिलाने वाला हूं वो अभिनव शुक्ला जी के फादर एंड मदर हैं, यानी रुबीना के फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ हैं। तो बहुत ही खुशी हुई मुझे आज उनसे मिलकर। मैं उनके घर पे आया और उन्होंने बहुत ही पोलाइटली तरीके से मेरे से बात की, और बहुत ही मैं समझता हूँ कि जितने वो अच्छे इंसान हैं तभी उनकी झलक अभिनव और रुबीना में नज़र आती है। रुबीना और अभिनव जो उनके पेरेंट हैं और वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपने बेटे के बारे में और रुबीना के बारे में खुल के बातें की। और इनके पेरेंट वोटिंग के लिए अपील करते हैं, तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है रवि वर्मानी गाइडलाइन शो की, तो रुबीना और मेरे बिग बी अभिनव शुक्ला को ज़रूर वोट करिए। उन दोनों में से कोई ना कोई एक जीते, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए होगी बिकॉज आई एम अ पंजाबी पर्सन, तो हमारा पंजाबी वाला कोई इंसान जीतेगा। तो आज मैं आपको मिलाता हूँ उनके फादर और उनके मदर से। हेलो सर, कैसे हो आप। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है कि अभिनव शुक्ला जो बिग बॉस में बहुत ही अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं और फाइनलिस्ट भी बन चुके हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो एक किरदार है, चाहे वो बाहर की दुनिया में हो चाहे वो बिग बॉस में हो, वो बिल्कुल ही नेचुरल और सही करेक्टर उन्होंने अपना पेश किया है। और आपको कैसा लग रहा है कि उनकी जर्नी देखकर। हमें तो अच्छा लग रहा है कि जब से वो गया है, तो पहले तो थोड़ा ठीक स्टडी कर रहा था कि कैसे होता है बिग बॉस में, क्योंकि वो देखता नहीं था बिग बॉस, उसको बहुत पता नहीं था। लेकिन उसने जाके देखा, सारा स्टडी किया, क्योंकि एज ए साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट का बेटा है तो उसी नज़रिए से देखता है। तो उसने सारा ऑब्जर्व कर लिया भाई कैसे होता है, और अब जो निखर कर आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो वहाँ जाके कोई ऐसे फालतू की बातें करते हैं वो ऐसे नहीं करता, वो टू की पॉइंट ही बात करता है, और उसने अपना बैलेंस लूज नहीं किया। अभी मैं मिलाने वाला हूँ अभिनव शुक्ला जी की मदर से, और सबसे फिर यही रिक्वेस्ट, क्योंकि वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं अभी से लाइक कर दो। चलिए मैं आप मिलाता हूँ आपको उनकी मदर राधा शुक्ला जी से। आपको कैसा लग रहा है कि बिग बॉस में अभिनव और रुबीना एक एज एन कंटेस्टेंट भी हैं और हस्बैंड वाइफ भी हैं, और आपको उनको देख कर कैसा लग रहा है। देखिए, दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हर माँ बाप को अपने बच्चे को आगे बढ़ता देखकर खुशी होती है, वैसे हम भी बहुत खुश हैं। बिग बॉस में यहाँ तक पहुँचना, फाइनलिस्ट बनना, ये उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके लिए मैं उसे बधाई देती हूँ। देखा आपने, उनके जो पेरेंट हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोलाइटली तरीके से बात करने वाले हैं, और जो भी उन्होंने बताया और वो भी बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल सही बताया, और मुझे बड़ी खुशी हुई। और एक मैं और इनसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अभिनव शुक्ला और रुबीना दोनों फाइनलिस्ट हैं, और बिग बॉस में आपको क्या लगता है कि चाहे कोई भी जीते उनमें से, उनके मन में क्या रहेगा कि रुबीना जीतनी चाहिए, या रुबीना, उनको लगता है रुबीना जीतेगी, और जो भी उनके मन में क्वेश्चन का आंसर ये वो हमें ज़रूर बताएं। मुझे पूरा विश्वास है कि रुबीना ट्रॉफी जीत करके घर आएगी, और ये मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। अपने स्टूडेंट से, खासकर गुरु नानक पब्लिक स्कूल सराभा नगर लुधियाना के जितने मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं, उन सब से अपील करती हूँ कि अपने इस ननकियन को वोट कीजिए, प्लीज़। ये लड़का डिजर्विंग है, आपके स्कूल का नाम रोशन करेगा। आधा लुधियाना पढ़ा दिया है मुझे, बहुत से मेरे पुराने स्टूडेंट्स जानते होंगे, उन सब से मैं अपील करती हूँ, प्लीज़ वोट फॉर अभिनव एंड रुबीना। और भी मेरे सर्कल में जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उन सब से मैं विनती करती हूँ, प्लीज़ वोट फॉर अभिनव एंड रुबीना। सभी जो अभिनव और जो रुबीना के जो फैंस हैं, जो शुरू से इनको देख रहे हैं टीवी में, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप खुद तो करें वोट, लेकिन घर घर जाकर अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, सबको अपने मैसेज भेज के उनसे प्लीज़ वोट कराइए। बिग बॉस 14 के वो विनर बने, रुबीना ही बनेगी, लेकिन ट्रॉफी हमारे घर में आएगी, चाहे अभिनव लाए चाहे वे रुबीना लाए,
और प्लीज़ जरूर वोट करें ताकि ट्रॉफी हमारे घर में आए और यहाँ सजे यहाँ के अभिनव के बाकी ट्रॉफीज लगी हुई हैं। ये जो सब ट्रॉफीज आप देख रहे हैं ये अभिनव शुक्ला की हैं। कमाल है बिग बी ने सही में। ये जो आप ट्रॉफी देख रहे हैं ग्रासिम मिस्टर इंडिया की, जो इन्होंने मुकाम हासिल किया था, ये देखिए फर्स्ट प्राइज लिखा है यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन में। अभिनव शुक्ला बिग बॉस में साइंस की ज़्यादा बातें करते हैं, ये इसी से पता चलता है। आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट प्राइज लिखा है तो इसीलिए वो बिग बॉस में ज़्यादा साइंटिस्ट के तौर पे भी जाने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ग्रासिम मिस्टर इंडिया जो इन्होंने मुकाम हासिल किया था उसकी ट्रॉफी है। ये देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि अभिनव शुक्ला फिट क्यों हैं। वो जब से लुधियाना में थे तो वहाँ पे इतने कॉम्पिटिशन लड़े कि उन्होंने मसल मैन एंड बिगनियर लुधियाना का अवार्ड भी जीता हुआ है। क्या बात है। सुपर्ब। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। और ऐसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।